लद्दाख में सेना के जवानों की शहादत के बाद अब ग्रेटर नोएडा में सेक्टर 37 में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज तमाम सेक्टर वासियों ने चीन के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जबरदस्त प्रदर्शन किया और चीन के राष्ट्रपति का पुतला भी फूंका है। इस प्रदर्शन में ज्यादातर रिटायर्ड सैन्य के अधिकारी, बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल थे। साथ ही चीनी सामान का बहिष्कार करने की भी यहां पर बात की गई है। आज सेक्टर 37 ग्रेटर नोएडा में हमारे सभी सेक्टर वासी एकत्रित हुए हैं और सभी के अंदर एक जुनून है, जोश है कि हम चाइना का कोई सामान नहीं खरीदेंगे, चाइना के हर सामान का बहिष्कार करेंगे। मैं भारतीय वायु सेना से वारंट अफसर के पद से निवृत्त हूं और मैं उस क्षेत्र में भी रहा हूं जहां पर ये अभी जो स्कर्मिश जो चल रही है, जो परेशानी स्टैंड ऑफ जो चल रहा है, हमने देखा बहुत दुर्गम क्षेत्र है लेकिन क्षेत्र बहुत सामरिक महत्व का है और हमारा हमेशा से रहा है। अभी मैं टीवी पे देख रहा था, गलवान जो वो इंडियन था जिसने उस घाटी की खोज की थी, वो पहले से ही अंग्रेजों के टाइम से ही हमारे भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है। उसके ऊपर भी अब चीन अपना दावा ठोक रहा है। चीन बहुत धोखेबाज और बहुत खतर दूर प्रवृत्ति का देश है। पंजाब के ममदोट कस्बे में 4 नहरें हैं और इन नहरी विभाग द्वारा समय रहते सफाई या देखभाल न करने के कारण ये नहरें हर साल टूटती हैं, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। किसानों का आरोप है कि नहर बीती रात 12:30 बजे टूट गई है, लेकिन कोई भी बड़ा प्रशासनिक अधिकारी यहां नहीं पहुंचा। साथ ही किसानों का कहना है कि कुछ लोगों ने नहरी विभाग के बेलदार और मेट की मिलीभगत से नहर चोरी छुपे तोड़ दी है, जिस कारण ये बाढ़ आई है। अब इन किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि खेतों में जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। ये 43 बुर्जी तो थले टूटी है, 450 क्यूसक दे पानी चल रहा है। टुटी है जिमीदार वालों दसाया जा रहा है भी ये किसी ने शरारत की है भी ये पैर दबी है कोई, हूँ अभी बनाएंगे, मशीन लियावे, लेबर आ रही है। तकरीबन सवेरे 3:30 बजे कॉल सानू आई है जी, रात 12 बजे की टुटी हुई है जी, तो ये नजायज़ तौर पर मोगी लगाई गई थी। तो जी प्रशासन भी असी दसिया, जेडे बेलदार ने उन्होंने भी नॉलेज लिया गया जी भी इतने मोगी लग रही है, पर उन्होंने साड़ी कोई सुनवाई नहीं की जी। यूपी के अमेठी में कमरौली के बरसंडा से बारात लेकर निकले दूल्हे और उसके पिता को पुलिस ने पकड़कर L1 अस्पताल भेज दिया और बाकी के बारातियों को क्वारंटीन सेंटर में भर्ती कर दिया। बता दें कि 13 जून को दिल्ली से ये परिवार वापस आया था। कोरोना के चलते बड़े समारोह की आज्ञा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी शादी तो होनी थी और रस्में भी निभाई गई। लेकिन इसी बीच किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी कि दूल्हा कोरोना पॉजिटिव है। आपको बता दें कि 16 जून को भेजा गया सैंपल जैसे ही आया तो अमेठी प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। तुरंत बाराबंकी के हैदरगढ़ कोतवाली पुलिस की मदद ली गई और बारात लेकर जैसे ही दूल्हा लड़की के घर पहुंचा तो पीछा कर रही पुलिस ने दूल्हे और उसके पिता को गाड़ी से उतरने नहीं दिया। उन दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया और बारातियों को क्वारंटीन करवा दिया। यूपी के झांसी में प्रेमनगर के राम राजा मंदिर में भगवान राम की मूर्ति खंडित होने पर हंगामा हो गया। प्रेमनगर में खाती बाबा के पास बने राम राजा मंदिर में भगवान राम की मूर्ति भी विराजमान है, लेकिन किसी ने भगवान राम की प्रतिमा खंडित कर दी है। मंदिर के अंदर से ही दान पात्र और सामान भी चोरी किया गया है। इस बात का तब पता चला जब मोहल्ले के लोग दर्शन करने पहुंचे, तब देखा गया कि भगवान राम की मूर्ति किसी ने तोड़ दी है। वहीं सूचना मिलने पर CO सदर समेत प्रेमनगर पुलिस मंदिर पहुंची और घटना का जायजा लिया गया। साथ ही हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझा कर शांत कराया और आरोपियों की तलाश शुरू की। सरकार लाख प्रयास कर रही है कि सरकारी महकमे में सुधार लाया जा सके, लेकिन जिम्मेदार अफसर हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। बता दें कि भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात जवान अपनी ही जमीन को पाने के लिए अमेठी प्रशासन के पांव लगातार पकड़ रहा था, लेकिन अमेठी प्रशासन ने उसकी एक ना सुनी। अपनी जमीन पर गांव के ही कुछ दबंगों द्वारा कब्जा करने की शिकायत जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी से पहले भी ये जवान कर चुका है, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। 3 बार शिकायत करने पर भी कोई परिणाम नहीं निकला, जिससे नाराज जवान उप जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने अपने परिवार के साथ अनशन पर बैठ गया। जवान जब उप जिलाधिकारी के कार्यालय पर बैठा और तब जाकर जवान की जमीन को चिन्हित कर अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की गई। उप जिलाधिकारी के साथ पुलिस प्रशासन पीड़ित जवान के गांव पहुंचा, जहां अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया।
सैनिक दोपहर में आया था, उसने जानकारी दी कि उसके द्वारा बैनामा लगभग एक वर्ष लिया गया था और उसके नए अभी जुताई बुआई नहीं कर रहे थे, लेकिन जिससे बैनामा लिया था विक्रेता उसकी उसने भी वो खुद जोतता बोतता नहीं था, उसने बटाईदारों को दे रखा था। जो 40 राष्ट्रीय राइफल जम्मू सोजिया सेक्टर में तैनात हूँ, मेरा गांव कौलप कनू संग्रामपुर थाना अमेठी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ मैं। मेरी जमीन, मैं एक जमीन बैनामा लिया था 1 से 1.5 साल पहले, जिसकी पैमाइश अखबारी तहत करवा चुका हूँ और मैं उसमें अपना छप्पर रखा हुआ था, उसमें कुछ 80-80 लोग, 7 से 8 लोग आता उनके घर की महिलाएं, जिनका नाम सुरेंद्र, राम बहादुर, मथुरा, सजीवन, तुलसीराम, विजय कुमार, श्री राम इत्यादि, उनके घर की महिलाएं तथा बच्चे हमारी जमीन को कब्जा कर लिए हैं।